आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एस एस बी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द यूज ऑफ कैल्शियम टेबलेट विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए शेलकॉल अलॉन्ग विद विटामिन डी तो किन किन लोगों को कैल्शियम टेबलेट का यूज़ करना चाहिए कब करना चाहिए कितना रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का टू एवरी पर डे and what are the different source of calcium and even if you are unable to absorb calcium how you can improve your calcium in your body so dear friends jo calcium hai, it is available in the four forms one is called as a calcium carbonate another is called as a calcium oxalate another is called as a calcium citrate and another is called as a calcium oxalate

द वेट ऑफ द ह्यूमन बींग डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कैल्शियम जो आपका बॉडी वेट है जो आपका बोन मास पे डिपेंड करता है और जो बोन मास है उसमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है नॉर्मली अगर हम देखें तो हर इंसान को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ अप टू द एंड डे ऑफ लाइफ हमारा जो रिक्वायरमेंट रहता है कैल्शियम का वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है अगर एक बच्चे की एज वन टू थ्री ईयर है उसके केस में जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 200 टू 260 सिक्सटी पर डे अगर कोई बच्चे की एज फ्रॉम थ्री टू एट ईयर है और फोर टू एट ईयर है उस केस में जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 600 टू 800 हंड्रेड पर डे अगर किसी का एज मोर देन एट ईयर है एंड अप टू अडल्ट लाइक अप टू यंग एज 18 ईयर और 40 ईयर कैल्शियम रिक्वायरमेंट इज वन हंड्रेड एम जी पर डे अगर किसी का एज अबावी फाइव हैल्ड एज एल्ड एज परसन दैन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज ट्वेल्व हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड एम जी पर डे इफ द देर इज ए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन देन अगेन द रिक्वायरमेंट विल बी सेम प्रेग्नेंसी में और लैक्टेशन में हमें जो डेली कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है दैट इज अगेन ट्वेल्व हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड एम जी पर डे और अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कितनी देर कैल्शियम की टेबलेट खाना चाहिए नॉर्मल इफ यू सी एज पर द रिसर्च परस्पेक्टिव और एज पर द क्लिनिकल रिपोर्ट देर इज ए नो एनी साइड इफेक्ट विच इज एसोशिएटेड विद द कैल्शियम बट देर आर सम इंडिकेशंस अगर आप किसी डिजीज से सफर करते हैं मीन कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम से सफर करते हैं If you are suffering from hypertension or if you are suffering from you know parathyroidism problem and if you are suffering from kidney stones or like in these conditions there is a need to take calcium as per the recommendation of your doctor. आप डॉक्टर का कंसल्ट ज़रूर लें क्योंकि अगर आपको kidney stone है तो kidney stone का साइज़ बढ़ सकता है kidney stone का नंबर बढ़ सकता है अगर आप कंटिन्यू कैल्शियम कंज़म्पशन करते हैं अगर आप कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम से हार्ट अटैक से सफर करते हैं जहाँ आपको हार्ट अटैक के चांसेस हुए हैं पहले लाइफ में तो आप कैल्शियम को बी केयरफुली यू शुड यूज अगर आप हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं तो आपको कैल्शियम बहुत केयरफुली लेना होगा अब ये था कि कैल्शियम हमें कब नहीं लेना चाहिए अब कब लेना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम इज मस्ट इन प्रेगनेंसी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन के केस में कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसकी इंडिकेशंस रहती हैं जो बेबी का बर्थ होगा उसका वेट कम होगा दैट इज कॉल्ड एज ए लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी देन द सेकंड थिंग विल बी देर इज ए डिलेड ग्रोथ ऑफ दैट बेबी क्योंकि उसका जो बोन फॉर्मेशन है वो डिले हो जाएगा द थर्ड थिंग

विच आर एसोसिएटेड विद ऑफ़ कैल्शियम अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैल्शियम का क्या सोर्स है द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो मिल्क में होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर एक इंसान 250 फिफ्टी एम मिल्क इनटेक करता है डेली तो उसमें 300 हंड्रेड कैल्शियम प्रेजेंट होता है जिसका 30 टू 35 परसेंट पार्ट हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है वो अब्जॉर्ब कौन करवाता है विटामिन डी सो दैट्स वाई जब भी अगर आप कैल्शियम खाएं कैल्शियम की टेबलेट लें तो नॉट टू टेक कैल्शियम टेबलेट ड्यूरिंग द नाइट टाइम आप रात को कभी ना खाएं बिकॉज विटामिन डी इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द सन तो अगर डे टाइम पे आप खाते हैं दूसरा अगर आप खाने के साथ ही कैल्शियम का टेबलेट ले लें तो उसका अब्जॉर्बशन बढ़ता है सो यू शुड टेक कैल्शियम टेबलेट अलोंग विद योर मील आप अपने खाने के साथ लें सुबह एक टेबलेट ले सकते हैं खाने के साथ और नियरली थ्री टू फोर पी एम आप एक और टेबलेट ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट टू योर बॉडी नॉर्मली अगर आप डेली वंस यू विल टेक ए वन टेबलेट वो क्यों ले रहे हैं बिकॉज यूअर बॉडी इज हैविंग ए लेक्टोस इनटॉलरेंस आपका जो बॉडी है वो मिल्क को अब्जॉर्ब नहीं करता और कई बार ऐसे पेशेंट्स आपने देखे होंगे वो कहते हैं वी आर सफरिंग फ्रॉम द मिल्क एलर्जी हमें मिल्क से एलर्जी है जहाँ मिल्क ड्रिंक करते हैं तो हमें वॉमिटिंग आ जाता है नोजिया होता है जहाँ हमें पेट में क्या होता है स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं इन द आप डोमिनल कैविटी नो इन दीज कंडीशंस इफ देशेंट और दर्सन कैल्शियम फ्रॉम दिल्क उस केस में हमें टेबलेट रिकमेंड करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं मेडिकल कलर का टेबलेट होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है फाइव हंड्रेड एम जी और साथ में विटामिन डी होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट यू नो इट इज फाइव टू टेन माइक्रोग्राम एंड इन समे लिखा होता है कि दिस विटामिन डी

बिकॉज विटामिन डी इज असेंशियल फॉर दब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम जो आपका कैल्शियम होता है वो स्मॉल इन दस्टाइन अगर आप देखें तो वहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं विच ऑब्जॉर्ब दैल्शियम और कुछ receptors होते हैं विच ऑब्जॉर्ब दैल्शियम एंड दीज रिसेप्टर और दैक्टर्स दे आर एक्टिवेटेड बाई योअर विटामिन डी अगर नॉर्मली हम बात करें एज पर फार्माकोलॉजी तो जो हमारा विटामिन डी है और कैल्शियम है इट इज अब्जॉर्ब कैल्शियम इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आइदर बाय पैसिव डिफ्यूजन ये दो मैकेनिज्म से आइनी कंसंट्रेशन है जो अब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड में आइदर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आइदर बाय द पैसिव डिफ्यूजन अब अगर किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी था प्रेगनेंसी में उन्होंने कैल्शियम टेबलेट नहीं लिया जहाँ वो नहीं ले पाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है द स्मॉल चिल्ड्रन कुड सफर फ्रॉम रिकटिशिया तो रिकेट्स से सफ़र कर सकते हैं रिकेट्स इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम जिस केस में बच्चे का बोन डेवलप नहीं करता बोन वीक रहता है सॉफ्ट बोन रहता है मसल मास फॉर्मेशन नहीं होता और बच्चे में वीकनेस रहती है द चिल्ड्रन में सफ़र फ्रॉम द मसल प्रॉब्लम्स अगर वही कंडीशन हम अडल्ट में ले जाएं जिसको हम ओस्टियो मलेशिया कहते हैं क्यों क्योंकि देर आर सम सेल आर कॉल्ड एज समस्ट एंड वंस दे आर मच्योर दे आर कॉल्ड एज एस्टियोसाइट्स जो हमारी बोन में प्रेजेंट होते हैं नाउ इन केस ऑफ ओस्टियो मलेशिया वो जो अडल्ट होते हैं दे आल्सो सफर फ्रॉम द मसल क्रैम्प्स मसल वीकनेस टाइडनेस ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जबकि प्रेगनेंसी में एक वोमेन कम कैल्शियम कंज्यूम करती है एंड ही ए बर्थ टू चाइल्ड हु कैन सफर फ्रॉम दीस टाइप ऑफ दी प्रॉब्लम्स अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं कौन किस टाइप की हमें डाइट लेनी चाहिए सो दैट वी शुड रिटेन अवर कैल्शियम ताकि हमारा जो कैल्शियम ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है वो रिटेन रह पाए द फर्स्ट थिंग यू शुड रिड्यूस द इनटेक ऑफ टी आप चाय पीना कम करें नाउ द सेकेंड थिंग यू शुड रिड्यूस इन टेक ऑफ कॉफ़ी आप बार बार तीन चार बार डेली कॉफी पीते हैं तो आपकी बॉडी में कॉफ़ी टी दीज आर द स्टिमुलेंट दे आर कॉल्ड एज ए डाईजूरेटिक्स ये जो डाइजूरेटिक्स हैं ये आपका कैल्शियम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द यूरेन तो अगर आप बहुत कॉफ़ी पीते हैं जहां बहुत चाय पीते हैं तो आपकी बोन जो है विद एज इट विल बिकम सॉफ्ट वेरी फास्ट बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी क्यों क्योंकि आपने क्या किया कैल्शियम को एक्सक्रीट कर दिया फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम टूअर्ड आउटसाइड दूसरा कंडीशन किस केस में डेफिशिएंसी होता है इफ देयर इज ए एनी पर्सन हु इज यूजिंग थायाजाइड टाइप ऑफ डाइयूरेटिक थायाजाइड हाइड्रोक्लोर थायाजाइड क्लोर प्रोपामाइड सो सम ऑफ दीज था डेरिवेटिव जो हैं, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम का एक्सक्रीशन करते हैं और अपोजिट अगर लगाएं कि अगर आप फ्रूसीमाइड टोरासीमाइड लास्ट एक्स टाइप ऑफ ड्रग यूज करते हैं विच आर अगेन लूप डाइजरेटिक उस केस में आपका कैल्शियम अकामुलेशन होता है सो दैट दैट्स वाई ये कंट्रा इंडिकेशन रहता है कि अगर आप

इन दैट केस यू शुड अवॉइड टू टेक दैल्शियम अदरवाइज क्या होगा देर विल बी ए कमूलेशन ऑफ कैल्शियम एंड देर विल बी ए चांसेज ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि देर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन इन यूर किडनी नो द सेकेंड थिंग अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी में किस टाइप के जो फंक्शन है वो कैल्शियम प्ले करता है सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी फंक्शन विद यू द फर्स्ट फंक्शन इज़ कैल्शियम मेंटेन द होम्योस्टेसिस क्योंकि कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल एंड मिनरल इज रिक्वायर्ड टू योर ब्लड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस द सेकेंड थिंग कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर यूअर बोन एंड जॉइंट्स आपके बोन में भी चाहिए आपके जॉइंट्स में भी चाहिए सो दैट यूअर बोन विल बिकम हेल्दी एंड यूअर ज्वाइंट्स विल फ्रीक्वेंटली वर्क जो तीसरा फंक्शन है इन केस ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन तो इसका मतलब डायबिटीज में भी हमें इंसुलिन का रिलीज बढ़ाना है तो हमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है बिकॉज कैल्शियम क्या करता है वेसिकुल को कंट्रैक्ट करवाता है एंड देर इज ए इंक्रीज रिलीज ऑफ बीटा सेल्स इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स सेकेंड थिंग इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ हारमोन्स इन योर बॉडी आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो हारमोन रिलीज होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर हार्ट कंट्रैक्शन जो आपका दिल भी कंट्रैक्ट करता है हार्ट कंट्रैक्ट करता है वो भी कैल्शियम पे डिपेंड करता है बिकॉज एस ए नोड एंड एवी नोड दे सेंड्स द इम्पल्स फॉर द कंट्रेक्शन

फिश एंड सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम अगर आप ऐसे कैल्शियम नहीं कर रहे मिल्क इट इज वेरी गुड बिकॉज दैट ऑब्जॉर्ब इज बैटर बट इफ यू आर अनेबल टू हैविंग टेक दिस टाइप ऑफ थिंग यू शुड टेक इट फ्रॉम द शेल कॉल टेबलेट्स अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन सम कंडीशंस अगर आप कैल्शियम्स ज्यादा भी लें तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं इन सम रिपोर्ट्स ऐसा देखा गया है कि कैल्शियम एक्सेसिव इनटेक कॉज कॉन्स्टिपेशन कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है स्टमक में पेन रहती है अबडोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं डायरिया रहता है नोजिया रहता है बट इट इज अप टू ए एक्सीडिंग लिमिट क्योंकि अगर आप कैल्शियम को मिनिमम 18 टू 20 वीक्स कंटिन्यूसली भी लें वन टेबलेट डेली तो देर इज ए नो साइड इफेक्ट ऑफ द कैल्शियम बट ऐसा साइंस ने रिपोर्ट किया है एज पर द टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी इफ यू विल टेक ए कैल्शियम अब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एम जी और थ्री थाउजेंड एम जी दैन द चांसिस ऑफ द टॉक्सिसिटी कैन बी देयर अदरवाइज यू कैन टेक ए शेलकॉल टेबलेट वंस डेली अप टू थ्री फोर मंथ देर इज ए नो प्रॉब्लम बट इन सम डिजीज कंडीशन यू शूड टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम योर डॉक्टर साइट आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड जरूर लें नाउ व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशन अगर आप किडनी फेलियर से सफर करते हैं आप कैल्शियम ना लें अगर आपकी बॉडी में हाइपर एसोसिएटेड स्टोन है आप कैल्शियम की टेबलेट ना लें अगर आप हाइपर या हाइपरथिज्म हाइपो पैराथॉराडिज्म से सफर करते हैं आप कैल्शियम ना लें इवन कि हाइपर पैराथायर में आपको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट रहता है नो इन केस ऑफ रीनल स्टोन आप कैल्शियम को ना लें इन केस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स हाइपरट्रॉफी और सम अदर मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप कैल्शियम ना लें

जैसे कि लाइक के कैंडी वो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें वॉच करें शेयर करें और एस एस बी फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू विल गेट मोर वीडियो इन फ्यूचर यू आर वेलकम थैंक यू वेरी मच